रूस और यूक्रेन में जारी तनातनी के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है वो आपको बताएं। जंग के बीच रूस यूक्रेन के नेताओं की होगी बातचीत। बातचीत के लिए यूक्रेन का डेलीगेशन टर्की पहुंचा। जंग खत्म करने की संभावनाओं पर चर्चा होगी। मीटिंग से पहले रूसी विदेश मंत्री ने जताई उम्मीद, बातचीत सफल रही तो पुतिन ज़ेलेंस्की की बैठक भी संभव है। तो लगातार जंग खत्म करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया भी चल रही है और टर्की में दोनों देशों के डेलीगेशन बातचीत करेंगे। अगर कंडीशंस पे बात बनती है तो ऐसा भी हो सकता है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की की मीटिंग हो। तो एक तरफ मैदान में दोनों देशों की सेनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के प्रतिनिधि भी बातचीत करने के लिए टर्की में मौजूद। तो अभी तक जितनी बातचीत हुई वो सारी तो लगभग बेकार ही रही हैं, लेकिन आने वाले दिनों में अगर बातचीत बन जाती है तो ठीक है, ये जंग खत्म हो जाएगा। रूस के हमलों से यूक्रेन लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। कीव, चेर्निही, मरियुपोल, खार्किव, हर शहर में बर्बादी का मंजर है। आपको बताते हैं कि यूक्रेन की तबाही पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट क्या कहती है। युद्ध का 34वां दिन है तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट आई और उसमें 1200 से ज्यादा मौत हुई है। रिपोर्ट में ये कहा गया है, दावा किया गया है, 378 एजुकेशन सेंटर्स को ध्वस्त कर दिया गया है, 4400 रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई है, 138 मेडिकल सेंटर तबाह हो गए हैं, 8 सिविलियन एयरपोर्ट नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, 18 लाख लोगों ने पलायन कर दिया है, अपना घर छोड़ दिया है। ये इतनी तबाही, इतना नुकसान, आप देखिए कि 18 लाख लोगों ने पलायन किया, 8 सिविलियन एयरपोर्ट नेस्तनाबूद कर दिए गए, 138 मेडिकल सेंटर्स तबाह कर दिए गए, 4400 रिहायशी इमारतें जमींदोज कर दी गई। इतनी सारी बर्बादी की है रूस ने यूक्रेन में, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट बता रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।